हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गारा एजुकेशन। मेरा नाम है अंजलि वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कैरागंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। थोड़ा सा मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता देती हूँ कि KSMU इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द रिपब्लिक कजाकिस्तान। ये यूनिवर्सिटी 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी। कैरागंडा कजाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है और अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो 8th पोजीशन ऑफ द 60 टॉप यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, ये इसकी रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी WHO एंड MCI अप्रूव्ड है। फीमेल कैंडिडेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम अब्रॉड स्टडी करें तो हमारे लिए सेफ होगा। डेफिनेटली आपके लिए सेफ होने वाला है क्योंकि कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा अवेयर रहती है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ की कंट्री को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। लेट्स मूव टू द फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ जिसमें इंक्लूड होगी आपकी वीजा सर्टिफिकेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल फी, ट्यूशन फी, फूड, एवरीथिंग, आपकी पांचों की पांच चीजें इसमें इंक्लूड होने वाली है। और ये मैं आपको आपकी कंप्लीट 5 ईयर्स का कोर्स बता रही हूँ। 5 ईयर्स का कंप्लीट एक्सपेंस मैं आपको इधर बता रही हूँ। कंप्लीटली कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम होगा तो लैंग्वेज को लेकर के चिंता ना करें। वैलिडिटी की बात करूँ तो वैलिडिटी इसकी ग्लोबली अप्रूव्ड डिग्रीज आपको प्रोवाइड होती हैं, तो वैलिडिटी क्या आप किसी भी कंट्री में जाकर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे रिसीव होता है कि क्या हम अब्रॉड से स्टडी करके आकर इंडिया में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अब्रॉड स्टडी करने के बाद इंडिया वापस आकर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह गया है या फिर आप एडमिशन प्रोसेस करने का सोच रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे और हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। अगर एडमिशन भी प्रोसेस करवाना है तो हम आपको इनविटेशन लेटर दिलवाएंगे, वो भी घर बैठे। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम सेंड करने होंगे। जब भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछा आपको टाइम टू टाइम सेंड करने होंगे, ये आपको करना होगा। हम छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको गाइड करेंगे, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।